प्रश्न नंबर 3 करेंगे, प्रश्नावली 12.1 का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें जो नीचे दे रखे हैं हमने इन सब के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में भी हमें मान ज्ञात करने के लिए बोला गया, तो इस वीडियो में प्रश्न 3 और 4 दोनों करेंगे। तो पहला है हमारा, यहाँ पे 3 की जो घात दे रखी है 0 दे रखी है, जमा 4 की घात -1 और गुणा 2 की घात 2। मैंने आपको बताया था जब भी किसी की घात 0 होती है तो उसका जो मान होता है वो 1 हो जाता है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। यहाँ पे 3 की घात क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये 1 हो गया, ठीक है। और 1 के नीचे हम 1 ही मानेंगे क्योंकि कोई भी संख्या अकेली नहीं होती। अब यहाँ पे 4 है, 4 के नीचे भी 1 है, तो इसकी घात ऋणात्मक है, घनात्मक करने के लिए 4/1 का 1/4 कर देंगे। अब चाहे आप 1 लिखो या लिखो कोई उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। फिर गुणा 2, 2 को 2 की घात 2 है तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका जो लघुत्तम समवर्तय लेके, अगर आपने पहले सीखा होगा कि किस तरीके से, इस तरीके से अगर होता तो हम उसका लघुत्तम समवर्तय लेते हैं, तो इसका अगर हम लघुत्तम समवर्तय लेंगे तो 4 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 1 को हम 4, देखो नीचे वाली संख्या से नीचे वाली को हम भाग करते हैं, 1 को 4 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से ऊपर वाले से गुणा गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो 4/1/4 हो गया, गुणा दोनों को 4 आ गया, 4 और 1 5/4 × 4, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 5, ठीक है। दूसरे वाले में भी ऐसे है, यहाँ पे देखो घात दोनों की ऋणात्मक है, तो अभी दोनों के नीचे 1 है तो इसको 1/2 और 1/4 कर देंगे, तो दोनों के जो घाते हैं वो, चाहे आप इसके साथ अब 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है, तो ये हमारा घनात्मक घाते हो गई। भाग 2 इसकी क्या है -2 घात है, तो इसके नीचे भी 1 है, तो अब 2/1 का 1/2 गया। ये जो घात है 2 हमें लिखनी पड़ेगी, 1 घात जो होती है ना सिर्फ उसी के लिए होता है कि आप 1 को चाहे लिखो या ना लिखो, लेकिन कोई और घात हो 2 हो 3 हो 4 हो तो आपको लिखनी पड़ेगी। अब इसकी घात क्या है 2, ये ऋणात्मक थी घनात्मक हो गई, दोनों आपस में गुणा हो गए 1/8 आ गया, भाग 1/2 इसको 2 बार गुणा किया तो 4 आ गया। इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि भाग है तो गुणा हो जाएगा, 1/8 ये 1/4 का 4/1 हो जाएगा, 4 × 4 = 8 बचेगा क्या 1/2 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका तीसरा भी करेंगे, 1/2 इसकी घात -2 -2 -2, सब 1/2 1/3 1/4 उल्टा हो जाएगा, ठीक है, प्रतिलोम हो जाएगा, 2 2/1 इसके नीचे चाहे अब 1 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, चाहे 2 3 4 लिख लो या 2/1 3/1 4/1 लिख लो तब भी कोई बात नहीं, घाते सबकी घनात्मक हो गई। इसको 2 बार गुणा करेंगे, इसको भी 2 बार गुणा करेंगे, इसको भी 2 बार गुणा किया 4, 2 बार गुणा किया 9, 2 बार गुणा किया 16, तीनों को जमा कर दिया 29 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखी है -1 -1 -1 और सबका जो है, जो सबकी जो घात है वो 0 दे रखी है। जब सारे की ही घात 0 दे रखी है तो उसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब सबकी घात 0 होती है तो मान 1 हो जाता है। पांचवे में देखो -2/3, अब इन इसके पूरे की घात -2 दे रखी है, और इसके पूरे और भी जो हमारा ब्रैकेट है उसकी घात 2 दे रखी है। जब इस तरीके से दे रखा होता है एक ब्रैकेट के अंदर घात और एक ब्रैकेट के बाहर, तो वो घातें आपस में क्या होती हैं, गुणा हो जाती हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था -2/3 -2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा, तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब ये -2/3 है, घात को हमने घनात्मक करना है तो 3/2 हो जाएगा 4। अब 3/2 को हम 4 बार गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो 3 को 4 बार गुणा करेंगे 81 और 2 को भी 4 बार गुणा करेंगे तो 16। जब घात 4 होती है ना तो हमेशा जो आंसर है वो घनात्मक आता है, ऋणात्मक कभी नहीं आता, क्योंकि -± + और -± + हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो हमारा जो है ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। 4 में भी हमें मान ज्ञात करने के लिए ही बोला गया है, तो हमारा है 8 -1 × 5 = 3 और बटा में जो है 2 - 4 है, तो हम इसकी घात को ऋणात्मक को घनात्मक करने के लिए 8 है, इसके नीचे 1 मान है तो 8/1 का 1/8 हो जाएगा, चाहे अब 1 लिखो या ना लिखो, 5 की घात 3। अब ये देखो इसके नीचे है, ये इसको हम इधर ले आएंगे ऊपर, तो घात अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, घनात्मक हो जाएगी, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये घात अपने आप घनात्मक हो जाएगी। अभी घनात्मक हो गई घात, 1/8, 5 को 3 बार लिखना है, 2 को 4 बार, गुणा किया 125, 2 को गुणा किया 16, 1/8, 8 × 8 = 16, 125 को 2 से गुणा किया 250 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी घाते जो है वो ऋणात्मक दे रखी हैं, तो अभी सबके नीचे 1 है,
सबका प्रतिलोम कर दो, 5/1 का 1/5, 1/2 और 1/6 कर दो, घाते सबकी पॉजिटिव हो गई। अब चाहे आप एक लिखो या ना लिखो, दोनों को गुणा कर दो, 5 × 2 = 10, 1/10 और 1/6 आपस में गुणा हो रहे हैं, 10 × 6 = 60, ठीक है, 1/ क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 3 और 4 दोनों हो जाता है। आगे की वीडियो में आगे के प्रश्न करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।